सब का बाइट अध्यक्ष महोदय का फोटो सब का चल जाएगा तो अपने आराध्य देव विश्वकर्मा भगवान के और उनसे यही बागे की अगले आदेश तक अति सूचना जारी नहीं होता नया ये उपवास का कार्यक्रम अभी लंबे समय तक चलेगा। जब तक कि अगला आदेश नहीं मिल जाए तब तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। बोलो चप्पल खोलो भाई। नहीं नहीं, हमारा आंदोलन जो है वो जब तक जेल तक से नहीं निकलते हैं तब तक जारी रहेगा। लेकिन केंद्रीय समिति ने कई कार्यक्रमों का ऐलान किया है, जिसके तहत पहले चरण में भूख हड़ताल और न्याय पदयात्रा, न्याय यात्रा इसका कार्यक्रम तय किया गया है। और 15 फरवरी से बापू की वाटिका में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता लगातार उपवास पर बैठे हुए हैं। आज उपवास का हमारा चौथा दिन है। इसके अलावा 15 तारीख से ग्रामीण स्तर पर पंचायत में जा करके और जनता के बीच में न्याय पदयात्रा का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया है, जिसके माध्यम से हम जनता को यह बताना चाहते हैं कि देख लो हेमंत सोरेन, जिसने 4 साल पूरे जनता की सेवा की, झारखंड के अंतिम पायदान में रहने वाले व्यक्ति, दबे कुचले पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के बीच में पहुंचकर उनके दुख और दर्द को दूर करने की कोशिश किया। बहुत सारे ऐसे योजनाओं का उन्होंने शुरुआत किया जिससे जनता के हर तबके के लोगों को लाभ मिले, चाहे वो वृद्ध हो, विधवा हो, युवा हो, विधवा युवा विधवा हो या विकलांग हो, इन लोगों को सर्वजन पेंशन योजना के तहत जोड़ने का काम किया। और आज के दिन में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां कोई ऐसा परिवार नहीं है जिसके 60 साल के उम्र के लोगों को पेंशन नहीं मिल रहा है। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ करके, और चाहे एक घर में 5 बच्ची ही क्यों न हो, उनको स्कॉलरशिप 40,000 रुपया तक देने का काम और उनकी पढ़ाई ना छूटे इसकी व्यवस्था किया। गांव देहात के ST SC OBC के बच्चों को विदेशों में पढ़ने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट निशुल्क सुविधा प्रदान की। किसानों को उनका जो कर्ज था बैंक का उसको माफ कर दिया। सरकारी कर्मचारियों का जो पेंशन भारतीय जनता पार्टी ने लागू में हटा दिया था, पेंशन बंद कर दिया था, उस पेंशन को लागू करने का काम किया। सिपाहियों की चिर परिचिति लंबित मांग, जिनमें वो अपना तनख्वाह 13 महीने का अवकाश का और अन्य मांग था, उन मांगों को 100% मान लिया और शुरू कर दिया। आपका सेविका सहायिका की मांगों को मान लिया, आपका पारा शिक्षकों को शिक्षक बना दिया, मानदेय बढ़ा दिया और बहुत सारे चीज और जोड़ने बाकी थे। इन सब चीजों से किस तरह भारतीय जनता पार्टी घबराहट में आकर के माननीय को बगैर किसी सबूत के इन केन प्रकारें जेल में डालने का काम किया। और जेल में डाला ही नहीं, वो उनको ईडी के द्वारा प्रताड़ित करने का, उनको ईडी के जो कस्टडी है उसमें ईडी ने ले जा करके उनको बेसमेंट में रखने का काम किया। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर बेसमेंट में रखा, उनको पानी हवा धूप से महरूम रखा, गन पॉइंट पर 4-4, 5-5 गनमैन रात और दिन उनके सामने गन लेकर के खड़े रहे, इस तरह मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना दे करके और उन्हें हत्या करने की कोशिश की। इसके लिए हम सारे लोग पार्टी के जनता के बीच में जा रहे हैं और इस धरना और न्याय मार्च के माध्यम से लोगों को इस बातों को बताने का काम कर रहे हैं। और
जो काम हेमंत जी ने अपने कार्यकाल में किया उनका भी विस्तृत जानकारी लोगों के बीच में हम लोग दे रहे हैं, यही हमारा कार्यक्रम है। अब अगला जो रणनीति बनेगा कि इसके बाद हम लोग कौन सा आंदोलन करें, जब तक नहीं छूटते हैं तो उस पर हम लोग अमल करके और फिर आंदोलन चलेगा।